शहर भर में रामनवमी का धार्मिक कार्यक्रम बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इसी क्रम में बेसा स्थित अथर्व नगरी के साई मंदिर में रामनवमी पालकी, संगीत, रजनी और महाप्रसाद का भव्य आयोजन किया गया था। इस मौके पर सैकड़ों श्रद्धालु मौजूद थे। पेश हमारे संवाददाता संजय मिरे की ग्राउंड रिपोर्ट बेसा अथर्व नगरी के साई मंदिर से, आइए देखते हैं। पूरे भारत वर्ष में प्रभु श्री रामचंद्र जी का जन्मोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसी क्रम में दक्षिण नागपुर के अंतर्गत आने वाले बेसा स्थित अथर्व नगरी के साई मंदिर में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ रामनवमी पालकी यात्रा का शानदार आयोजन किया गया। रामनवमी के उपलक्ष्य में मंदिर प्रांगण में महिला भजन मंडली द्वारा एक से बढ़कर एक भक्ति गीतों की प्रस्तुति दी गई। साई मंदिर द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में परिसर के पुरुष और महिला बड़ी संख्या में मौजूद थे। प्रभु श्री राम की जयकारों से पूरा परिसर गूंज उठा था। हर किसी के चेहरे पर मुस्कान साफ देखी जा रही थी। रनगाड़ा से पालकी भक्तों पर फूल बरसाए गए। मंदिर प्रांगण में शाम को भास्कर वाखुले एंटरटेनमेंट द्वारा एक से बढ़कर एक भक्ति फिल्मी गीत पेश किए गए। भक्ति गीतों से पूरा परिसर मंगलमय और सराबोर हो उठा था। भव्य महाप्रसाद का शानदार आयोजन आयोजकों ने किया था। दक्षिण नागपुर के सैकड़ों लोगों ने महाप्रसाद का लाभ लिया। इस मौके पर साई मंदिर अध्यक्ष मदन मलाप इन्होंने BCN समक्ष जानकारी दी। अथर्व नगरी के बेसा रोड स्थित साई मंदिर में है। अभी आपको बता दें कि रामनवमी के अवसर पर यहाँ पे विविध धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। इस समय हमारे साथ में मदन मावा जो की यहाँ के अध्यक्ष है, आइए उनसे जानना चाहेंगे कि आखिरकार किस प्रकार के कार्यक्रम लिए जा रहे हैं। मदन जी, बताया कि जिस प्रकार से ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, ये कार्यक्रम लेने के पीछे का उद्देश्य क्या है? ये लोगों में जन जागरूक हो रहे राम जन्म के बाद राम के बारे में कुछ जानकारी है, तो धार्मिक और हिंदू संस्कृति के बारे में पूरी जानकारी हो, सब लोगों को मिले। और ये अथर्व नगरी का पहला साल है, ये राम जन्मोत्सव का कार्यक्रम जो है पहले साल है, बड़े पैमाने पर हो रहा है। और कौन कौन से कार्यक्रम का आयोजन किया गया? वो रामधुन का कार्यक्रम हो गया है, डेली भजन जो है या गायत्री से मागे हो गया है, और आज महाप्रसाद का आयोजन है, और आज आर्केस्ट्रा भी है साथ में। बिल्कुल, तो आप थे मदन मालवा जिन्होंने बखूबी अभ्यता के साथ बात करते हुए पता कि किस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। संगीत है, स्वर राग की हर राग में बसे है राम, रागी को मिले रागिनी, रोगी को मिले आराम। साई मंदिर से संजय मेरा BCN न्यूज़ में।